जी भाई रोहैम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी बिस्मिल्लाह, बताइए। भाई, मेरे आपसे पहले ही बात हुई थी कि मैं ऑटोमेशन पाइथन ऑटोमेशन डेवलपर पर काम कर रहा हूँ वावे में, तकरीबन 1.5 साल हो गया। और AIOps का आपने बोला था, तो वो परचेज कर ली है मैंने भी और मेरे भाई के लिए भी। अगर आपसे मेरी बात हुई थी, वो कॉम सेट में जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहा था वो कैंसिल कर दिया है। मैंने अपने रिलेटेड ये पूछना था आपसे, क्योंकि हम यहाँ पर पाइथन के थ्रू ऑटोमेशन करते हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि मतलब शॉर्ट टाइम में DevOps के, या मतलब आपने तो ऐसी वीडियो बनाई हुई है कि किस तरीके से पढ़ना, लेकिन स्पेसिफिकली मैं कौन से कोर्सेज पे फोकस करूँ ताकि मैं ओपन सोर्स की तरह से कर सकूँ। अगर तुम्हें जल्दी से, तुम ऑलरेडी वॉवे में काम कर रहे हो और सब कुछ ना, तो वॉवे के पास अपना क्लाउड भी है, राइट? ठीक है ना? जी, इनका एच आई एस। हाँ, उनका अपना क्लाउड है, सब कुछ है, इट्स अ बिग कंपनी, सब कुछ अपना स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अगर तुमने वहाँ ना भी किया हो, कोई मसला नहीं है। अगर तुम्हें बहुत जल्दी जॉब्स पे जाके बैठना है, सब कुछ करना है, तो तुम्हें तीन चार चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहला काम तुम्हें ना AI ऑप्स के अंदर तुम्हें DevOps और SysOps के कोर्सेज तुम पी जाओ बिल्कुल, यानी कि बैश तुम्हारे लिए आसान है, सिलीनियम तुम करते आ रहे हो, कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए, पाइथन ठीक है ना, ऑटोमेशन जो है वो। इसके बाद तुमने जिरा कर लिया, वो भी तुम्हारे लिए आसान है। इसके बाद तुमने क्यूबनिटीज को पकड़ लिया, डॉकर्स पकड़ लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में तुमने AWS का आर्किटेक्चर पकड़ लिया। अगर तुमने ये सात आठ कोर्सेज जल्दी खत्म कर लिए, क्योंकि तुम वावे में ऑलरेडी काम करते आ रहे हो, देन यू विल बी एबल टू गेट इन टू द मार्केट वेरी वेरी फास्ट, ठीक है? और तुम्हारा फिर जो और रेज्यूमे बनाने के लिए तुमने पार्ट वन अपना एजुकॉल का खत्म किया, वो खत्म करो और कोशिश करो कि तुम यहाँ से बैठ के रिमोट जॉब्स के लिए अप्लाई करो, ठीक है ना? और पार्ट वन MCQs का अगर तुमने इंटर्नशिप का खत्म कर लिया, तो तुम्हारा CV मैं बना के तुम्हें दे सकता हूँ। अगर तुम्हें तुम्हारा CV वो वाला मिल जाए, उसके जी बेसिस पे तुम जॉब्स अप्लाई करना शुरू कर सकते, ठीक है? और अल जी रजाक जी में अपने आप को लेकर आओ। जी अल रजाक में अगर तुमने काम कर लिया, और यही सारा काम तुम्हें लिनक्स के ऊपर और क्यूबनिटीज के ऊपर और मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर, और AI ऑप्स की तो चीज़ें आखिर में आती हैं बिल्कुल, जब तुम सारे AI के कोर्सेज कर लेते हो, वो एडवांस लेवल है। लेकिन उससे पहले पहले तुम्हें जो बेसिक्स और इंटरमीडिएट लेवल है सारा कंप्लीट करना है ना। अगर तुमने वो भी कंप्लीट कर लिया अलजा की, तुम्हारे पास ना AI ऑप्स में 350 लैब्स हैं, 300 से 350। अगर तुमने जी उसमें जी ख़त्म करना है, तो अगर तुमने शुरू की 100 भी कर ली, तुम जॉब पे बैठ जाओ। 300 कर ली, हम तुम्हें जॉब पे बैठाएंगे, 350 पूरी कर ली। लेकिन अगर तुमने 100 भी कर ली, यू हैव ऑलरेडी चेंज द जॉब, तुम कर लोगे, क्योंकि तुम्हारी हर 100 के लैब्स के बाद तुम्हारा CV अपडेट होगा, यू विल बी एबल टू अभी शो। जी अभी इस तरह के पाइथन पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं फिर भी अल्लाह से भी जो पाइथन के कोर्सेज हैं या उस पर मैं मतलब थोड़े फास्ट पेस में गो थ्रू कर रहा हूँ, क्योंकि डेफिनेटली चीज़ है कि उसमें कोई चीज़ नहीं होगी ना, तो मैं उसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ साथ। अब ये कि मैंने 20 दिन हमें मुझे हो गए AIOps स्कूल लिए हुए, और लिनक्स बेसिक मुझे आती है, तो अभी मैं RHEL पे फोकस कर रहा हूँ। RHEL बहुत और इम्पोर्टेंट। जी जी और वावे से इसलिए क्योंकि वावे से मैं अगर आपको याद हो, मैंने आपसे ये बात की थी कि मैं जॉब को शायद मैं रिजाइन भी कर दूँ विदाउट दूसरे जॉब के, ताकि मैं इस पर फोकस कर सकूं, क्योंकि यहाँ पे ओपन सोर्स काम नहीं होता ना, मतलब इनके अपनी प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वो एक रिस्ट्रिक्शन बन जाती है। ये एक अलग मसला है। वावे ने, मतलब कि मुझे हैरत है, वावे के पास तो अपनी ओपन सोर्स बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, यानी कि ओपन सोर्स कंपोनेंट्स के ऊपर। तुम कह रहे हो कि वो, यानी कि वो अपनी इंडिजिनस एप्लीकेशन तो चला रहे हैं ना, जो उन्होंने अपनी बनाई हुई। नहीं सर, हमारे सर होते हैं कि इनके जो इंटरनल रिक्वायरमेंट्स होते हैं ना, मतलब डिफरेंट डोमेन्स हैं, तो उसमें से जो मतलब ऑटोमेशन होती है, जैसे लॉग्स एनालिसिस हो गए या पैंडास के थ्रू हम डेटा एनालिसिस करते हैं, तो वो इंटरनल ही होती है। और इवन कि ऑटोमेशन, अगर मैं आपको भी बोलूँ कि ऑटोमेशन डेवलपर, तो आपको शायद डेवऑप्स साइड का लग रहा होगा, बट हम सिर्फ पाइथन पे काम कर रहे होते हैं, वही मतलब बस इंटरनली जो उनके रिक्वायरमेंट्स, तुम्हें, हाँ, तो यानी तुम्हारी ओपन ग्रोथ सोर्स बिल्कुल नहीं है। स्टैगनेंट हो गई, ग्रोथ बिल्कुल स्टैगनेंट हो गई जी है। जी निकलना मैं यही मैं निकलना पॉइंट देना पड़ेगा, चाह रहा हूँ। निकलना पड़ेगा तुमको यहाँ जी से, जी निकलना जी पड़ेगा, ठीक। और तो दूसरी बात, दूसरा मेरा क्वेश्चन ये कि अगर मैं ये प्लान करूँ, मेरा प्लान है कि मैं मूव करूँ यूरोप साइड या मेन जर्मनी साइड, तो मेरी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए फॉर मास्टर्स, ये मतलब ये फील्ड के हिसाब से? तुम्हें कोशिश करनी चाहिए कि तुम USA का जरूर ट्राई करो, ठीक है? यूएसए एक बड़ी जी जबरदस्त वो है। तुम H1 यानी कि ना B1 B2 वीजा अप्लाई करो, सही है? तुम अगर ये सारे स्किल्स लेके, AI ऑप्स लेके, एग्जाम पास करके तुम US उतरते हो, तुम्हें H1B वीजा मिल जाएगा, तुम
उसको पकड़ सकते हो। मैं सर 2021 का ग्रेजुएट हूँ हाँ तो तुम फ्रेश हो, वहाँ पे 2-3 साल का जी। सर एक्सपीरियंस भी हो गया है, अभी 2024 है, ठीक है ना। जी गैप इशू तो नहीं करेगा नहीं, ये, मतलब 2021 के बाद ही गैप फिल हो जाते, सारे गैप फिल हो जाते हैं भाई, ठीक है। ठीक है जी। सो लेटर्स देना, सब कुछ करना, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। सो वो हम तुम्हें दे सकते हैं, कर सकते हैं, सही है। ईबी वीजा का लेटर मैं जिसको देता हूँ उससे मैं बोलता हूँ कि मेरे पास पहले पढ़ाओ 6 महीने, ठीक है ना। मैं तुम्हें टॉपिक्स दूंगा, तुम्हें पढ़ाना होगा, डिलीवर करना होगा। अगर तुमने पढ़ाया फिर मैं तुम्हें लेटर दे दूंगा कि हमारे पास पढ़ा भी रहा है, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है। बड़ा पावरफुल लेटर है, ठीक है ना। बड़े लोगों के वीजे हो गए भाई इससे, ठीक है ना। अभी तक कोई डिनाइल नहीं आया, बिकॉज हम टैक्स पेयर्स हैं भाई यहाँ पर, ठीक है। और हर चीज बिल्कुल क्लियर है। एक और क्वेश्चन ये था कि मेरा मेरा भाई भी इसी सेशन में बैठा हुआ है ना, तो उसकी भी कुछ क्यूरीज थी। मतलब अभी जैसे आपने एडमिशन कैंसिल करवाया तो फैमिली में मतलब ये चीज देखने को मिल रही है ना, क्योंकि हम यूजुअली आदि होते हैं कि डिग्री करेगा BSc और उसके बाद फिर 4 साल, और फिर आप 4 साल डिग्री करके और उसके बाद फिर जॉब पे बैठेगा, तो ये चीज थोड़ी डिफरेंट सी लग रही है ना। जिसको मैं नाफिक के बारे में बताता हूँ, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? यार माँ बाप को समझाना करना बहुत मुश्किल काम है। मेरे वाले साहब से पूछो जी कि जी जब पेरेंट्स तो वो हैं सर, बाकी मतलब फैमिली देखो में जरूर, पेरेंट्स फैमिली, तो बहुत देखो फैमिली सपोर्टिव। की केयर मत करो, फैमिली को छोड़ दो, ठीक है ना। इट डजेंट मैटर कि फैमिली, पेरेंट्स को देखो, इमीडिएट जो हमारी फैमिली है पहले उसको देखो, पेरेंट्स जी, जो फुल सपोर्ट करते हैं हाँ वो तो कर लेंगे। वो तुम्हारे साथ खड़े हों, ठीक है ना। जब मैंने मेरे की सुची दाढ़ी थी मेरी, जब मैंने बढ़ाना शुरू कर दी तो मेरे घर वालों ने कहा भाई ये क्या हो गया भाई, ये टोपी पे, जब मैंने टोपी पहना, दाढ़ी तो थी, टोपी पहनना शुरू कर दी, ने कहा ये क्या कहानी हो गई, तो घर से निकाल दिया मुझे। तो मैं मौलाना हकीम अख्तर के पास गया रहमुल्ला, उन्होंने मुझे ख़त लिखा मेरे वाले साहब को कि भाई ये बच्चा मेरे साथ रहेगा। मैं 15 ईयर्स का था, 16 15 16 का था, एंड आई वॉज वेरी ह्यूज, आई वॉज वेरी बिग स्केरी, ठीक है ना। तो खैर एनीवे बट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो मेरे वाले साहब पहुंच गए उधर, उन्होंने कहा हाँ ये सही है खत बेटा, मैंने लिखा है। उनको बोला क्या मसला है आपको, इसको दीन पे चलने दें। तो वालदेन जब मेरे राजी हो गए तो सारे रास्ते खुल गए ना। फिर तो वालदेन को अपने पास रखो और वो बड़े आराम से राजी हो जाते हैं। माँ बाप की टांगे दबाओ, प्यार करो, गले मिलो, बोलो भाई तो आपके लिए कर रहा हूँ, मौका दे मुझे सब काम, और जब मैं हो जाएगा फिर आप देख लेंगे मुझे, ठीक है ना। तो क्योंकि वो एक मेंटेलिटी बनी हुई है ना उनको, वो देखते आ रहे हैं कि यार यही पढ़ना है, यही करना है, सब कुछ करना है, उसके बाद फिर जाके जॉब ढूंढनी है, फिर वो ख्वार होना है, फिर जाके शादी करनी है, फिर तो वो सर्कल एक पूरा विशेष सर्कल है। लोग तुम उनको वो वीडियोज दिखाओ कि यार 1 करोड़ रुपए देकर भी लमसे बेरोजगार है, तो यार इसको तो बचा लिया कॉम सेट के 15-20 लाख रुपए हमारे लग जाते सब कुछ करके, फिर भी बेरोजगार होता तो क्या फायदा, राइट। तो अभी से बच गया, जल्दी जॉब पे निकल जाएगा, बाहर चला जाएगा, दोनों भाई हो, दोनों साथ पढ़ रहे हो, कोशिश करो कि US निकल जाओ। US का लॉन्ग पाथ है लेकिन सेटल हो जाओगे, जो भाई हो ना साथ में मिलके ना, तो एक दूसरे के सपोर्ट जी बनकर जी निकल जाते हैं, रास्ते बहुत हैं USA में, ठीक है। जी बाकी मैं इंशाल्लाह इस पे फोकस करूँगा, जो आपने बताया ना अभी, फिर आपको मैं अपडेट साथ दे दूंगा, साथ साथ मतलब जो मैं यूके कोशिश जा कर रहा हूँ। सकते हो, USA मुझे जा सकते हो, फिनलैंड जा सकते हो, अब तो मेरी मेरे पियर्सन, प्रेफरेंस जर्मनी है। जर्मनी जा सकते हो, अभी तो पियर्सन भी आ रहा है, पियर्सन को पकड़ के तुम साथ में पियर्सन करके डायरेक्टली ट्रांसफर कर लो, बहुत सारे रास्ते आ रहे हैं। आई मीन तुम्हारे लिए रास्ते ही रास्ते खोल रहे हैं, और क्या चाहिए। मैं इमिग्रेशन वाला रास्ता एक अलग खोलने की तैयारी कर रहा हूँ, उसमें बड़े जो है ना उसमें टाइम लगता है, 1.5-2 साल लग जाते हैं, लेकिन वो आप लॉबिंग ग्रुप्स को एंगेज करके सब कुछ करें तो वो होता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। एक दरअसल जी भाई ऑफ टॉपिक बात थी कि आपसे मतलब अल्नाफे आपके एक इंस्ट्रक्टर थे, शायद आप उनको जानते होंगे, सोहेब हसन अफरीदी, कोहाट से आपसे आपके साथ काम कर चुके हैं, शायद आप जानते होंगे उनको। ये सोहेब जब हसन, 2018 में अल्नाफे, जी, अल्नाफे थे, वो थे, उनके थ्रू मुझे मतलब अल्नाफे का पता मिसबा चला है। सोहेब मिसबा था, मिसबा अफरीदी था एक। हसन अफरीदी हैं, वो अल्नाफे में मतलब वो इंस्ट्रक्टर भी रह चुके हैं, पता नहीं उनको क्या मतलब हो उनकी थ्रू मैं। सकता है, और ये सर पूछना था कि आप पाकिस्तान आ रहे हैं तो पेशावर का चक्कर लगेगा आपका?
अभी तक फिलहाल तो नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ लाहौर और कराची के, क्योंकि मुझे फिर उम्रे पे जाना है ना, सही है, तो जी, इसलिए मुझे फिर मैं निकल जाऊंगा 29 जून को ना, तो 15 जून मेरे पास एक सैटरडे है, ठीक है ना, 22 जून एक सैटरडे, और फिर 29 जून, 29 जून को मैं चला जाऊंगा, तो मेरी फ्लाइट है मदीने की, तो इसलिए ना, तो ये एक वो है, लेकिन अदरवाइज जिंदगी रही तो इंशाल्लाह, शावर तो अपना घर है तो जरूर इंशाल्लाह आऊंगा सर कोशिश करेंगे आपसे मिलने की। जी, इंशाल्लाह जजाक इंशाल्लाह। अल्लाह सर।